नमस्कार दोस्तों आजकल अफग़ानिस्तान बहुत ही चर्चा में बना हुआ है और अफग़ानिस्तान पे पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है और अफगानिस्तान को अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहारे समझा जाए तो कहा जाता है ये ग्रेब यार्ड है अम्पायरस का यानी यहाँ पे अफगानियों ने इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ी अफगानि अफगानिस्तानियों ने रशियन से लड़ाई लड़ी अफ़गानिस्तान ने अमेरिका से लड़ाई लड़ी इसलिए और सारे महाशक्तियों को यहाँ से जाना पड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है और कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जंगल में दो हाथी लड़े और घास बर्बाद हो गई यानी अफग़ानिस्तान अगर जियो पॉलिटिक्स हिसाब से, से देखा जाए पहले ही उन्नीस के पहले ब्रिटिश अम्पायर और रूसी अम्पायर के बीच का एक बफर स्टेट था और बफर स्टेट का मतलब है कि दो महाबलियों के बीच में कोई छोटा मोटा आदमी आ जाए तो अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई जैसे रे मिस्टीरियो और सिनो के बीच में कोई दुबला पतला व्यक्ति आ जाए वो तो पिसेगा ही तो कहा जाता है इसी जियो में ब्रिटिश साम्राज्य सोचता था कि हमारा नियंत्रण अफगानिस्तान बना रहे और ब्रिटिश साम्राज्य रशियन सोचते थे कि हमारा नियंत्रण अफगानिस्तान बना रहे लेकिन इस ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के संघर्ष की समाप्त के बाद भी अफग़ानिस्तान की कहानी बदली नहीं संयोग की बात है आज की डेट में देखा जाए अगर 1991 के बाद से अफगानिस्तान की तस्वीर बदल गई यहाँ पर फिर जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के बजाय अब नए मध्य एशियाई देश आ गए और आज भी जियो पॉलिटिक्स भले ही दुनिया उदारीकरण की है भूमंडलीकरण की है। है तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ना अब तो इकोनॉमी का महत्व बहुत ज़्यादा है बाजार का बड़ा महत्व तो ज़्यादा है लेकिन अफगानिस्तान को देखने पर लग जाता है कि जियो का महत्व कितना ज़्यादा है और क्यों होता है क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो पूर्वी एशिया से मिलता है चाइना से इसकी सीमा मिलती है और यह है बाखन गलियारा बाखन गलियारा चाइना को छू रहा है बाकायदा मध्य एशिया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्गमेस्तान जो नाइनटीन में सोवियत संघ के विघटन के बाद से बने उसके अलावा ईरान पश्चिम एशिया पाकिस्तान दक्षिण एशिया यानी पूर्व एशिया मध्य एशिया पश्चिम एशिया दक्षिण एशिया जबरदस्त की जियो है तो अफगानिस्तान की भू राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण है साउथ ईस्ट एशिया एशिया के एक ही एक, एक, एक ऐसा पार्ट है जो इसे टच नहीं करता और यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अगर जियो पॉलिटिक्स इसका महत्वपूर्ण है तो अब देखिए विकासशील देश हो विकासशील देश ज्यादातर गरीबी रहे और उन विकासशील देशों को छोड़ दिया जाए जिनके पास तेल का संसाधन बड़ा अपार था अन्यथा विकासशील देश गरीब रहे और अफगानिस्तान की जोग्राफी ने उसे और गरीब बना दिया लैंड लॉक है यानी कोई भी उसका भूभाग समुद्री सीमा से मिलता नहीं तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हमेशा होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी तो लैंड लॉक है दूसरा एक ऐसा देश जो कि आज भी शहरीकृत औद्योगिक नहीं हो पाया और चार बड़े निर्जाती समूह बंटा हुआ है और अफगानिस्तान की पूरी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो बना हुआ है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स बेच लेते हैं और कुछ खनिज पदार्थ है और उसके अलावा अफीम का उत्पादन अकूत होता है जिसको बेचने पे दुनिया में प्रतिबंध है और इसलिए अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई तो पठारी क्षेत्र है लैंडलॉक है इस वजह से इस आर्थिक स्थिति का उसे भुगतान करना पड़ा है लेकिन एक लंबे समय से चलने वाले संघर्ष ने अफगानिस्तान की स्थिति को बिल्कुल हलाहल कर दिया इन्हें अफगानिस्तान बिल्कुल बर्बादी कगार पे चला गया और महाशक्तियों ने बर्बाद किया तमाशा देखा और उस बर्बादी में उसके छोटे भाई पाकिस्तान का बड़ा रोल है ये संयोग की बात है कि जैसे अफगानिस्तान आजाद हुआ उसकी सीधी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ हो गई अगर आप पूछेंगे क्यों मामला ये था कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा कि भाई हम अब तुम आजाद हो गए हो फोर्टी सेवन पाकिस्तान नया देश बना संयोग की बात है कि जो भारत और जो जो सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी वो वास्तविक रूप में वो सीमा रेखा तो भारत अफगानिस्तान के बीच में थी डूरन रेखा लेकिन जब पाकिस्तान अलग राज्य बन गया तो अफगानिस्तान ने कहा भाई देखो फिर डूरन रेखा इसको फिर से ठीक करो तो अफगानिस्तान ने डूरन रेखा खींचने की मांग की इसका मतलब है अफगानिस्तान ने कहा देखो भाई डूरन रेखा यहाँ से होनी चाहिए ये पूरा पश्तून एरिया हमारे अंदर होना चाहिए तो पाकिस्तान शुरू से अफ़गानिस्तान का विरोध करने लगा और ये भारत के लिए जियो बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन थी यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का विरोध करता था और पाकिस्तान भारत का विरोध करता था इसलिए भारत के लिए लगा कि अफगानिस्तान हमारा अच्छा मित्र हो सकता है और वैसे भी सांस्कृतिक रूप में हमारे तो अफगानिस्तान के साथ संबंध उतने पुराने हैं जितने पुराने गांधारी और जितने पुराने मुगल शासकों के तो ये मुगल शासक वहाँ से आते रहे हैं और कहा जाता है कि अफगानिस्तान किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का शिकार हुआ जिससे अफगानिस्तान का अफगानिस्तान की सारी जियो चेंज हो गई अब इस अफगानिस्तान की जियो को तो देखने के लिए थोड़ा इतिहास पर लौटेंगे थोड़ा संक्षेप में देख लें अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ क्या चेंज हुआ तो वास्तविक मुद्दा था कि अफ़गानिस्तान एक शांतपूर्ण देश था उन्नीस में भारत आज़ाद हुआ और अफगानिस्तान के साथ भारत के साथ संबंध शुरू से अच्छे थे और पहली बार अफगानिस्तान ने किसी एक देश की संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता रोकने का प्रयास किया वो था पाकिस्तान और संयोग की बात की पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करता था तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के भूभाग पर दावा करता था तो भारत अफगानिस्तान के बीच में संबंध शुरू से अच्छे रहे दोनों गुटनिरपेक्ष राज्य थे लेकिन अफगानिस्तान में राजा का शासन था और आबादी लगभग जनजाति थी और चार बड़े भाषाई समूहों में अफगानिस्तान बटा रहा ज्यादातर ज्यादातर इसके मान, यहां पे जो रहने वाले हैं हैं वो इस्लाम धर्म धर्म को अपना मानते लेकिन अफगानिस्तान कैसे कोल्ड वार का शिकार हुआ अफगानिस्तान सोवियत संघ और अमेरिका दो महाबली लड़ रहे थे कोल्ड वार के दौर में और जब दो महाबली लड़ रहे थे तो बाकी इन लोगों ने सबको दुनिया को तो रौंद ही डाला और इसलिए कहा जाता है कि महाशक्तियां पूरी दुनिया पर अपना विस्तार चाहती हैं और इस विस्तार के चक्कर में यानी गांव में अगर आप याद रखिए एक शक्तिशाली व्यक्ति हो जाए तो बाकी सबकी तो आफत हो जाती है और यहाँ तो गांव में दो शक्तिशाली व्यक्ति व्यक्ति अब दो शक्तिशाली लड़ रहे थे सोवियत संघ और और अमेरिका सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेवेंटी नाइन में सैन्य हस्तक्षेप कर दिया और सैन्य हस्तक्षेप करने के कारण ये था कि नाइन्टी वन से पहले सोवियत संघ सोवियत संघ की सीमा सीधा अफगानिस्तान से लगती थी और अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान के साथ और सोवियत संघ को इसलिए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना पड़ा कि कोल्ड वॉर में पाकिस्तान दोस्त था अमेरिका का अमेरिका दुश्मन था सोवियत संघ का और इसलिए पाकिस्तान हमेशा चाहता है याद रखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा मुजरिम है उसमें कोई दोराई नहीं है क्या सोवियत संघ क्या अमेरिका यानी दुनिया बदल गई पूरी क्षेत्र बदल गया क्षेत्रीय समीकरण बदल गया पाकिस्तान का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में न बदल सकता है न बदलेगा क्योंकि पाकिस्तान बड़ा राज्य है पाकिस्तान की आबादी बड़ी है पाकिस्तान के आबादी लगभग 20 करोड़ और अफगानिस्तान की आबादी लगभग आज भी लगभग चार करोड़ है आर्थिक रूप में पाकिस्तान निश्चित तौर पर आगे गया अफगानिस्तान से और पाकिस्तान सोचता है कि अफगानिस्तान पर हमारा महत्व हमेशा बना रहे क्यों अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर महत्व बना रहेगा तो स्वाभाविक रूप में डूरन रेखा की पुनर्निर्धारण की बात नहीं उठेगी अगर अफगानिस्तान पे महत्व तो बना रहेगा कि बाखन गलियारा सीधे जम्मू कश्मीर के ऊपर से जाता है यूके से जाता है तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में प्रभावी बना रहेगा तो वो कश्मीर को ही उबालता रहेगा और तीसरी बात पाकिस्तान तो कहता है भाई हम इस्लामी देशों के नेता हैं अब इस्लामी देशों के नेता हैं तो बाकी सारे इस्लामी देश पाकिस्तान के पीछे चलने चाहिए इससे पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि भाई हमारे पास परमाणु बम है और ज़रूरत को इस्लामी भाई अपना किराए पे से ले भी जा सकता है तो पाकिस्तान इस आधार पे भी अपना दावा करता है कि अफगानिस्तान पर उसका नियंत्रण बना रहेगा और अफगानिस्तान की एक मजबूरी है लैंडलॉक है अब अफगानिस्तान को इधर दक्षिण एशिया में प्रवेश करना है पाकिस्तान होके ही जाना है समुन्द्र में जाना है तो या तो पाकिस्तानों के जाए ईरानों के जाए अभी उसकी मजबूरी है लेकिन वास्तविक तौर पर दोनों देशों के साथ संबंध सामान्य संबंधों के आधार पे या कहा जाए कि समान सहिष्णुता के आधारों के बजाय आधिपत्य के आधार पर बना इसलिए इंटरेस्टिंग बात यह है हम तो आलोचना करते हैं कि अमेरिका ने आधिपत्य कर लिया पाकिस्तान ने आधिपत्य कर लिया हकीकत की बात यह है कि जो शक्तिशाली देश होता है वही अपने छोटे देश के पड़ोसी को दबा देता है और इसीलिए पाकिस्तान ने सोचा कि अफगानिस्तान में हमारा प्रभाव बना रहे रशिया को लगा कि अरे भाई पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव का मतलब अमेरिका का अफगानिस्तान में बढ़ता प्रभाव और अमेरिका के अफगानिस्तान बढ़ते प्रभाव का मतलब अमेरिका रसिया कितना नजदीक आ गया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका ने धार्मिक कट्टरवाद बढ़ाया सोवियत संघ को पीछे करने के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अमेरिका जो अपने आप को पंथ निरपेक्ष राजनीति का पुरोधा मानता है उसने बाकायदा अफगानिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ाया क्योंकि सोवियत संघ जो साम्यवादी था धर्म को नहीं मानता था और पाकिस्तान ने उसमें खूब समर्थन दिया पाकिस्तान ने भी कहा कि सोवियत संघ ये तो इस्लाम का विरोधी है इस हमारा फर्ज होता है इसका हम विरोध करें और 79 में इसलिए सोवियत संघ की सेना है जैसी अफगानिस्तान को दी अब जरा सोच के देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियाँ उड़ गई सब पावर पॉलिटिक्स चल रही थी जो दबंग था वही हस्तक्षेप कर देता था अब सोवियत संघ कूद पड़ा अफगानिस्तान में अब सोवियत संघ कूदा अफगानिस्तान में तो अमेरिका को भी कूदना चाहिए क्योंकि मुकाबला बराबरी का था लेकिन अमेरिका को वियतनाम वाली घटना याद थी अमेरिका का ना भाई ना वियतनाम में गए थे वो पता चला वहाँ हार के आए अमेरिका ने कहा भाई तो जंगल लेस वियतनाम है यहाँ गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा उतने पर पाकिस्तान अमेरिका के पास कूद कर पहुँचा पाकिस्तान ने कहा भाई अंकल से हम जा सकते हैं सोवीत से सेनाओं का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के तो हाथ पांव फूल गए अमेरिका ने कहा वो अरे हम जाने से डर रहे हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान वहाँ जा सकता है पाकिस्तान उस समय पाकिस्तान के प्रधान राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक सेना के थे आदमी थे फौजी थे उनको भी पाकिस्तान में अपना लेजिटिमेसी बनाई रखनी थी और फिर तो जनरल जियाउल हक ने कहा कि इस्लाम खतरे में है और उन्होंने पाकिस्तान के उन नागरिकों को मुजाहिदीन बना दिया लड़ाका बना दिया जो बाकायदा सामान्य जीवन जी रहे थे और हम आपको यह दिला दें वही लड़ाके जिसको पाकिस्तान अमेरिका ने मिलकर ट्रेंड किया वही कुछ बाद में अलकायदा के पार्ट हो गए कुछ बाद में उसामा सामा मिल्ला दिन कैसे सी बन गए और कुछ बाद में तालिबान बन गए इसलिए दोस्तों कहानी तो ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के इस इंटरवेंशन ने सोवियत संघ की इस धमा चौकड़ी ने अफगानिस्तान की बर्बादी का इतिहास लिख दिया अफगानिस्तान बर्बाद हो गया अब इंटरेस्टिंग इंडिया के सामने इंटरेस्टिंग पार्ट था अब सोवियत संघ ने जब हस्तक्षेप किया तो भारत से पूछा गया भाई तुम भी बताओ अब हमारा दोस्त अफगानिस्तान हमारा दोस्त सोवियत संघ अब भारत बड़े डेलमाम फंस गया और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभाव रहे उससे अच्छा है प्रभाव रहे सोवियत संघ का तो भारत ने बड़ा मध्यम मार्ग स्टैंड लिया भारत ने कहा देखो भाई किसी पर आधिपत्य उपति आधिपत्य नहीं होना चाहिए समानता की बात रखो लेकिन कहा अरे सोवियत संघ का विरोध तो करो हमने कहा देखो भाई? भाई हमने कह दिया जो कहना था विरोध क्या करें यह पहला चैप्टर शुरू हुआ लेकिन उन्नीस में सोवियत संघ की सेनाएं वैसे दोस्तों बड़े बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकली जैसे अमेरिका की सेनाएं वियतनाम से निकली थी तो सोवियत संघ की सेना निकल गई उन्नीस सौ अट्ठासी में गौरवा चौब आए सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब और आप याद रखिए जब घर की स्थिति खराब हो तो बाहर आप क्या मैनेज करेंगे इसलिए अब गौरवा चौब ने कहा ना ना भाई हमारी सारी सेना वापस होंगी और सोवियत संघ खाली सोवियत संघ खाली और सॉरी अफगानिस्तान खाली हो गया सोवियत संघ की सेना लौटी अब जरा सोच के देखिए उस समय पाकिस्तान का हौसला कितने बुलंदी पे था उस समय मुजाहिदीनों का हौसला कितने बुलंदी पे था क्योंकि मुजाहिदीनों को लगा कि भाई सोवियत संघ की सेना को हरा दिया मामला यह है कि अफगानिस्तान में आमने सामने लड़ाई थी ही नहीं अरे पठारी देश है कहीं ऊंचा कहीं नीचा तोरा बोरा के पहाड़ियों में कौन घुसकर कहा किसको मार देगा पता ही नहीं चलेगा पानी कहीं मिलेगा नहीं अब लड़ने के लिए पानी भी चाहिए सप्लाई लाइन चाहिए रोड है ही नहीं है इसलिए लड़ाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है जो एयरफोर्स से जीती नहीं आ सकती जब तक वहां इसको किसी को जोग्राफी ना पता हो तो सोवियत संघ की सेना हारी अब आप देखिए सोवियत संघ जब उन्नीस सौ में निकला तब फिर पाकिस्तान ने सोचा कि अब मौका है अब अब हमारा फिर नियंत्रण में पाकिस्तान पाकिस्तान का हौसला तो प्रभावी था अब पाकिस्तान ने समर्थन किया तालिबान का और तालिबान पहले सही माने में पस्तून निजाती जो अफगानिस्तान के लगभग चालीस परसेंट जनसंख्या के लोग हैं जो पस्तो भाषा बोलते हैं और वही अफगानिस्तान में सबसे बड़े हैं तो पस्तून और उत्तरी अलायंस आज भी आप कल नाम सुन रहे पंजशीर वैली जहाँ उत्तरी गठबंधन है तो उत्तरी गठबंधन और पस्तूनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और कहा जाता है कि उत्तरी गठबंधन का समर्थन गैर पस्तून समुदाय ने किया यानी ताजिक उज्बेक हजारा इन लोगों ने उत्तरी गठबंधन का शुरू किया यानी जरा सोच के देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान अभी एक वैचारिक युद्ध से निकला था फिर निर्जाती संघर्ष में फंस गया अब आप कल्पना कर सकते हैं जो छोटा सा देश इतना बड़ा संघर्ष ही करता रहेगा तो कहाँ आर्थिक विकास होगा लड़ना भिड़ना हिंसा और आर्थिक विकास एक दूसरे के विरोधी है और जो विकासशील देश है गरीब देश है वैसे बर्बाद हो जाएगा अब यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाइया शुरू हुई और उसका परिणाम हुआ कि हमेशा पश्तून का समर्थन हमेशा पाकिस्तान ने किया क्योंकि पाकिस्तान को तो हर ही हर कीमत पे अफगानिस्तान चाहिए और संयोग की बात है कि उन्नीस जब उन्नीस में भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी भारत भी आंतरिक रूप में उलझा हुआ था लेकिन अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन देखिए उन्नीस से अफगानिस्तान अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाएं निकल रही है और 1988 से ही कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ पॉलिसी थी और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता था और संयोग की बात है उसका मंसूबा तब पूरा हो गया जब 96 में तालिबानी ने नियंत्रण कर लिया पश्न की अंतर जीत हो गई उत्तरी गठबंधन हारा और अब तालिबान की जीत हुई तो ये एक ऐसा मौका था जहां भारत को अपने सारे दूतावास बंद करने पड़े क्योंकि मामला याद रखे तो तालिबान का मामला नहीं है पाकिस्तान समर्थित सरकार का मामला है तालिबान का मतलब क्या छात्र तालिबान का मतलब छात्रों का समूह छात्रों का समूह जो मानते हैं इस्लामी समाज का संचालन कैसे होना चाहिए इस्लामी धार्मिक ग्रंथों से शरीय से कुरान से अब सवाल है कि भारत के लिए किया अब तालिबान क्यों प्रॉब्लम आया गया आप याद रखिए चाहे कल तालिबान रहो चाहे आज तालिबान रहो तालिबान हमारे लिए प्रॉब्लम तो है एक वैचारिक क्योंकि आप याद रखिए हम डेमोक्रेसी मानते हैं अब हमारे अड़ोस पड़ोस में सारे अगर देश धार्मिक हो जाएंगे तो हमारे यहाँ भी कट्टरवाद बढ़ेगा ये बड़ा कोरिलेशन है पड़ोस में जो हो रहा है उसमें प्रभावित ही होंगे लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं भाई हम तालिबान बनाए अगर म्यांमार कहेगा हम सैनिक शासन बनाएंगे तो हम क्या कर लेंगे वो बनाए तो मामला तालिबान का नहीं है मामला पाकिस्तान का है कि तालिबान नहीं था पाकिस्तान समर्थ्य सरकार थी और पाकिस्तान समर्थ्य सरकार थी पूरी बात पाकिस्तान का माना कश्मीर को प्रॉब्लम कर दिया और यही 1999 घटना थी जब इंडियन एयरलाइंस का एक विमान अपहरण करके कंधार ले जाया गया उस समय इतनी जटिल स्थिति थी भारत सरकार बात कैसे करे क्योंकि हम तालिबान को मान्यता ही नहीं देते थे और नाइन्टी में तालिबान को मान्यता देने वाले केवल तीन देश थे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया यू ए इन लोगों ने केवल तालिबान को मान्यता दी थी और अंतक अंधार में हमें अनेक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा और इसका मतलब है कि हर एक देश हमारी सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो ये भारत की विदेश के लिए सबसे टिपिकल मौका था कि जब अफगानिस्तान हमारा दोस्त होते हुए हमारे यहाँ से निकल गया और वास्तविक मुद्दा है दोस्तों तालिबान का मुद्दा नहीं है ये हमें तय कर रहे हैं शासन समाज और अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी वास्तविक रूप में तालिबान का मुद्दा क्या है यह तर्क और धर्म के बीच का विवाद है और जो शायद यूरोप बहुत पहले हल कर चुका था आज भी एशिया में आप देखेंगे धर्म के नाम पर जात के नाम पर लोग लड़ ही रहे हैं और शायद इसलिए पीछे भी है क्योंकि जरा सोच के देखिए हमारा मूल मुद्दा ये है कि जब यूरोप में सोचिए ब्रूनो ने कहा था ब्रूनो ने कहा था कि अरे भाई सूरज नहीं धरती घूमती है तो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था लेकिन यूरोप ने सबक से सीखा और यूरोप में क्यों क्यों हुआ है, हुआ है, उन्होंने विवेक को माना तर्क को माना धार्मिक कट्टरवाद को नहीं और इक्कीसवीं शताब्दी में अब मुद्दा यह है कि शासन अब कैसे करना चाहते हैं मामला धर्म के विरोध का नहीं है मामला धर्म के राजनीतिकरण का है मामला धर्म के राजनीतिकरण का है इसलिए एक बात याद रखिए जीवन जीने का दो तरीका हो सकता है एक तो धर्म के हिसाब से सब कुछ जीए अरे भाई धर्म के हिसाब से आस्था चलनी चाहिए उपासना चलनी चाहिए अगर धर्म के हिसाब से पूरा जीवन का प्रबंध करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी जो तालिबान में आई और तालिबान में जो पहले प्रॉब्लम थी वो आज भी है अब तालिबानी कहेंगे महिलाएं ऊंची सैंडल का ऊंची सैंडल न पहने अब सवाल है कि हम कपड़ा ही पहने के लिए दूसरे से पूछे ये कैसा जीवन है अरे ये दासता है जीवन है अब जरा सोच के देखिए अभी तालिबान आया है भाई तालिबान तो एक विचारधारा है तालिबानिक विचारधारा है अभी वहाँ पे एक पॉप सिंगर थी वो भाग के निकल गई भाई तालिबान कहते गाना बजाना मना है तालिबान कहते फिल्म देखना मना है अब सवाल है कि व्यक्ति पूरे मतलब अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का संचालन अगर धर्म के हिसाब से होगा तो यकीन मानिए आज दुनिया में इतनी औद्योगिक प्रगति हुई ही ना होती अब धर्म बड़ा आस्था का विषय है और यहाँ पे एक धर्म की बात नहीं दुनिया के हर धर्म की बात आप देखिए यूरोप में संघर्ष पहले उचुआ था यूरोप ने कहा कि ना भाई हम शासन में डेमोक्रेसी को लाएंगे व्यक्ति की गरिमा को लाएंगे और आप याद रखिए जब डेमोक्रेसी व्यक्ति की गरिमा और आजादी को लाएंगे तो आपके समाज में कैसे लोग होंगे कोई फुटबॉलर होगा कोई मॉडल होगा जो मर्जी हो जैसा कोई जैसी मर्जी हो आप देखिए लोकतंत्र कितने फायदे हैं हम जैसी मर्जी हो वैसे कपड़ा पहने जैसा मर्जी हो वैसे हेयर स्टाइल रखें और कई यूरोपीय देशों में तो ये तक आजादी कपड़ा नहीं भी पहनो भाई ये शरीर हमारा है दिमाग हमारा है अब हमारे शरीर पे भी दोस्तों अगर किसी और का नियंत्रण हो गया तो जीने का फायदा क्या है ऐसा जीने से तो अच्छा है दास ही रहे होते ये बड़ा वैचारिक मुद्दा है अब सवाल है कि इक्कीसवीं शताब्दी में अगर ऐसा शासन होगा तो फिर ही विवाद का विषय बनता है तो लोकतंत्र पर एकदम सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि शासन कैसा होना चाहिए लेकिन आप कहेंगे सर ये बताओ फॉरेन पॉलिसी में राष्ट्रीय हितों को आप ज्यादा महत्व देंगे या लोकतंत्र को तो मामला यह है कि पहली प्राथमिकता तो राष्ट्रीय हितों को ही होती है लेकिन दूसरी प्राथमिकता फिर लोकतंत्र के लिए जाएगी क्योंकि लोकतंत्र का अंधा होना यहाँ राष्ट्रीय हितों को ही प्रभावित कर रहा है इसे तालिबान का ना भारत के लिए वैचारिक खतरा हुआ सुरक्षा खतरा हुआ पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा हर मामले में भारत घाटे में गया लेकिन संयोग की बात ही दोस्तों कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर और मामला ऐसा हुआ कि तालिबान के नेता मुल्ला उमर उनका संबंध हो गया Osama मुल्ला दिन और उड़ गया डब्ल्यूटीसी सितंबर 2001 और जेसी सितंबर 2001 में डब्ल्यूटीसी उड़ा अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया और अफगानिस्तान पर रेड कर दिया तालिबानी सरकार को हटा के उधर कर दिया भारत के लिए खुशी का ठिकाना नहीं क्यों क्योंकि याद रखिए भारत जैसे भारत की खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं हमने इन्वेस्ट एक भी पैसे नहीं किया काम हमारा बन गया हमारी विरोधी सरकार तालिबानी सरकार उठा के फेंक दी गई और उसके बाद तो आप देखिए वाकई जब से अमेरिकी सरकार आई और इस संयोग की बात देखिए अमेरिका हमला किसके कर रहा है तालिबान पे अमेरिकन कहा नहीं है तालिबान पे नहीं अलकायदा पे तो लोग कहते हैं तालिबान का मतलब छात्रों का संगठन अलकायदा का मतलब आतंकवादी संगठन दोनों अलग अलग हैं लेकिन यकीन मानिए दोनों की विचारधारा एक ही है एक्शन में कोई अलग अलग हो सकता है दोनों की विचारधाराएं तो एक ही है जो धार्मिक कट्टरवाद की विचारधारा है अब आप देखिए कि डेमोक्रेसी आई और यकीन अब सैयोग की बात है कि 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया अलकायदा पे तो अमेरिका ने कहा अमेरिका से पूछा गया गुरु ये बताओ हमला किस पे कर रहे हो तुम अमेरिका ने कहा दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी है तो ओ, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी है मेरे दोस्त इनको पैदा किसने किया और ये संयोग की बात है अगर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं तीन का मानस पुत्र मानस पिता कौन था अमेरिका और पाकिस्तान और संयोग की बात थी जिसको अमेरिका पाकिस्तान ने पैदा किया उसी पर हमला कर रहे थे एक वो एक इंग्लिश में कहावत है फ्रेंकस्टीन मॉन्स्टर भस्मा और यकीन मानिए अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर सच में अफगानिस्तान को भस्म ही कर दिया उसे परवेज मुशर्रफ थे उन्हें अमेरिका से कहा भी अरे हमला कर रहे हो इस अपने आदमी अपने आदमी अमेरिकन का चुप रहो अभी हमारे ऊपर हमला है और आप याद रखिए इसलिए अमेरिका का हस्तक्षेप करना बड़ा जायज़ नहीं था लेकिन सवाल है जायज़ कौन था यहाँ तो दोस्तों ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान शतरंज का बिसात बन गया और सारे लोगों ने ऐसी गोटी चली कि अफगानिस्तान बर्बाद हो गया और सबसे बड़ी कीमत वहां के लोगों ने दी लेकिन संयोग की बात थी इसलिए अफगानिस्तान का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कभी जायज़ नहीं था इसमें कोई दो राय नहीं है और अफगानिस्तान को इतना रेडिकलाइज किया तो अमेरिका पाकिस्तान मिल किया और फिर वही आतंकवाद की बात कर रहे हैं लेकिन सवाल यह भी सच है कि जब अमेरिका आया उसके बाद दुनिया के तमाम देश आए तो अफगानिस्तान ने एक नई दुनिया देखी अफगानिस्तान ने पहली बार लोकतंत्र आए कमाल की बात थी एक जनजातीय समुदाय था लोकतंत्र आया और इसका आर्थिक फर्क क्या आया कि अफगानिस्तान की इकॉनॉमी चार बिलियन डॉलर से बढ़कर बीस बिलियन डॉलर हो गई अब सोचिए चार बिलियन डॉलर की दोस्तों को इकॉनॉमी होती है बीस बिलियन डॉलर की इकोनॉमी जितना जम्मू कश्मीर इकॉनॉमी भारत में है उतनी पूरी अफगानिस्तान की है और कहा जाता है इस इकोनॉमी में भी फोर्टी परसेंट तो विदेशियों का मतलब फोर्टी परसेंट तो हम आर्थिक सहायता का भाग है वही इकॉनमी बीस बिलियन डॉलर लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि पहली बार अफ़गानिस्तान ने आज़ादी का मतलब देखा अब अफगानिस्तान में तालिबान ख़त्म हुआ तो कोई मॉडल बन गया कोई सिंगर बन गया कोई फुटबॉल खिलाड़ी बन गया अ यह लोकतंत्र की ताकत है लोगों को पहली बार खुली हवा में सांस और पहली बार वहाँ ब्यूटी पार्लर खुले क्योंकि आप याद रखिए अब कमाल की बात है भाई शरीर तो भगवान ने चेहरा दिया है यार भगवान ने विवेक भी, भी दिया है तो आखिर में दूसरा कोई कैसे बताएगा हम क्या करें क्या ना करें तो अफगानी ने पहली बार ब्यूटी पार्लर वगैरह खोल लिया और लोकतंत्र लाना इतना आसान है लेकिन लोकतंत्र को स्टेबल बना देना उतना आसान नहीं है अब अमेरिका ने लोकतंत्र को स्टेबल बनाने का प्रयास किया फिर भारत ने सब ने फायदा किया और याद रखिए जैसे ऐसे यहाँ पर डेमोक्रेसी आई तब तो भारत ने पावर शेयरिंग की बात आई और ये सब लोग आपस में मिलके के सारे निर्जा समूह इकट्ठा हुए सब लोगों ने मिलके यहाँ पे संबंध बनाना शुरू कर दिया और उसी बात अब चूंकि अफगानिस्तान के साथ दो के बाद हमारे संबंध बड़े अच्छे बन गए लेकिन सहयोग की बात ही पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा था पाकिस्तान ने कहा ना मेरी जमीन से जाना मना है अरे हमने कहा भाई इतनी जिद्दी मत बनो मेरे छोटे भाई चिंटू तुम जाने क्यों नहीं देते पाकिस्तान का आना जान नहीं दूंगा तो उसके लिए हमें अब हमने सोचा चलो ग्वादर एयर यहाँ पे चाह पोर्ट बनाते हैं तो अब ज़रा सोच के देखिए अफगानिस्तान जाने का सीधा रास्ता ये है अगर हम अमृतसर से होकर अफ़गानिस्तान जाए तो सीधा रास्ता ये है लेकिन अफगानिस्तान के पाकिस्तान कारण हम यहाँ से होकर अफ़ग़ानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप ये देख सकते हैं अफगानिस्तान गए तो सेंट्रल एशियाई देशों के साथ हमारे संबंध है तो सेंट्रल एशिया पहुँच जाएंगे और अफगानिस्तान का महत्व अपने आप में और आप याद रखिए अफगानिस्तान में अगर हम होंगे तो पाकिस्तान पर एक निर्णायक दबाव पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी सेनाएं दो सिरे पर खड़ी करनी पड़ जाएँगे पाकिस्तान अगर हमें कश्मीर में डिफेंसिव कर रहा है तो हम यहाँ पे होके पाकिस्तान को डिफेंसिव करेंगे ये जियो पॉलिटिक्स का मामला तो वही है अब भाई छोटा सा देश पाकिस्तान है बीस करोड़ की आबादी है कश्मीर में हमें डिफेंसिव किया रहता है तो स्वाभाविक रूप में हम अपने हितों के लिए काम नहीं करेंगे ये तो राष्ट्रीय हित है इसलिए भारत के लिए तो सौदे का फायदा था उसके बाद तो भारत अपना पूरा टीम टमाड़ा लेकर पहुंचा और दोस्तों धनादन हम विकास करने लगे और उसका परिणाम ये हुआ कि आप याद रखिए भारत ने लगभग अगर सारी महाशक्तियों में देखिए तो भारत ने लगभग अफगानिस्तान में जितना डेवलपमेंट किया है वह हकीकत की बात है कि उतना किसी भी बड़े देश का लामा कोई नहीं कर पाया इस याद रखिए भारत एक महाशक्ति तीन बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया ने केवल क्योंकि अफगानिस्तान में किया है ये सारे प्रोजेक्ट हमने दो हज़ार एक के बाद चलाए दो हज़ार एक के बाद आप देखिए सलमा डैम सलमा डैम हमने बनाया वहाँ की पार्लियामेंट बनाया वहाँ पे हाईवे बनाया यानी भारत ने पूरे अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बनाई आज भी जहाँ पर काबुल से काबुल में बिजली आ रही है वो सलमा डैम से आ रही है हॉस्पिटल से लेके शिक्षा से लेके चिकित्सा तक जैसे आम भाषा में कहते हैं सॉफ्ट पावर बात आपको याद दिला दे दो हज़ार के बाद अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती की नाटो के सैनिक तैनात हुए हमने काम नहीं किया क्योंकि हमने भी सबक लिया था श्रीलंका में शांति सेना भेज के और सबक लेना भी चाहिए दो महाशक्तियाँ ने सेना भेज के निकल प्रॉब्लम में आ गई तो हम क्यों सेना भेजें हाँ भारत ने यहाँ के सैनिकों को प्रशिक्षण दिया व्यापार आगे बढ़ा लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को बुलाया गया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत के आई में शामिल हुई तो भारत के लिए तो मौजे मौजा हो गया लेकिन ये बात पाकिस्तान कभी ठीक नहीं लगी ये बात पाकिस्तान को भी ठीक नहीं लगी कि भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में कैसे बढ़ेगा और आप देखेंगे भारत अनेक अनेक तरीकों से भारत अलग अलग तरीकों से अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमाता चला गया और आप याद रखिए भारत अफगानिस्तान के प्रभाव अपने हितों पर है अब पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था शुरू से नहीं चाहता कि भारत का प्रभाव यहाँ बढ़े और पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां की यद्यप अफगानिस्तान ने कहा कि भाई ये बताओ हम भारत क्यों हटा दे उतना उतना सहायता तुम दे दो हम भारत को हटा देंगे पाकिस्तान ने कहा हम कहाँ सहायता देते हैं लेकिन हम भारत को नहीं रहने देंगे अब पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत यहाँ रहेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम करे क्योंकि खुद प्रॉब्लम करता है इसे याद रखिए भारत एक महाशक्ति है अफगानिस्तान के सारे आसपास के देशों को देखिए चाइना के अलावा सारे सब छोटे छोटे देश हैं रीजनल पावर है चाइना के अलावा भारत एक ऐसा है महाशक्ति है जिसकी जिसकी सीधे भूभाग अफगानिस्तान से मिलता है तो भारत ने फिर यहाँ विकास की पूरी कार्रवाई शुरू की लेकिन आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र तो रहा लेकिन वो लोकतंत्र हमेशा हमेशा अस्थायी रहा अब वहाँ पे जब भी चुनाव होता था अफगानिस्तान में चुनाव होता हुआ चुनाव का रिजल्ट आने में छः छः महीने लग जाता था इसलिए आप याद रखिए सही बात है इतने बड़े देश में अब बीस बिलियन डॉलर की इकोनॉमी से लोगों के जीवन बदल तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ काबुल जरूर बदला तो जो जो लोग काबुल में अभी गए हैं और 96 के बाद उन्होंने 2001 के बाद छोड़ा था वो तो देख के हैरान हो गए काबुल ऐसा हो गया लेकिन उसके बावजूद भी विकास अभी उतना हुआ नहीं है क्योंकि विकास के लिए लंबा समय चाहिए विकास के लिए दीर्घकालिक योजना चाहिए और संयोग की बात थी कि अभी अब देखिए ये सरकार पूरी रही लेकिन सरकार के रहने के बाद भी मामला ठीक हो नहीं पाया और इसीलिए अमेरिका अमेरिका को लगा कि भाई तो अनएंडिंग वॉर है 2001 में हस्तक्षेप किया और 2020 तक चीज़ें अस्थाई रह गई और धीरे धीरे तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा और आप ये भी देखेंगे अमेरिका का इस समय रियल मुकाबला चाइना के साथ है अमेरिका का रियल मुकाबला चाइना के साथ है अमेरिका ने जहाँ जहाँ तक किया वो चाहे पा इराक हो चाहे लीबिया हो हर ज, सीरिया हो हर जगह प्रॉब्लम में आया इसलिए अमेरिका ने कहा ना ना भाई अब तो हम पीछे जाएंगे और अमेरिका से पूछा गया भाई अब जा क्यों रहे हो तो अमेरिका ने कहा कि भाई देखो हम यहाँ आतंकवाद खिलाफ आए थे हम राष्ट्र का निर्माण करने थोड़ी आए थे आई बड़ा अमेरिका कहना है भाई अमेरिका से पूछा गया बताओ आतंकवाद और राष्ट्र के निर्माण में क्या फर्क होता है अमेरिका ने कहा देखो भाई राष्ट्र निर्माण का मतलब यहाँ लोकतंत्र जमाना संसद बनाना ये सब नहीं करने आए थे अरे हम यहाँ पे आए थे एंटी टेरर ऑपरेशन अपनाने और यकीन मानिए आज तालिबान का जाना लोगों की हैरानी का विषय है लेकिन ये तो आना ही था जनवरी दो से लगातार तालिबानियों से वार्ता हो रही है अमेरिका का राष्ट्रपति अशरफ गनी दोहा में वार्ता हो रही है अशरफ गनी को बुलाया ही नहीं जा रहा है और रसिया से लेकर अमेरिका से लेकर सब लोग तालिबान से वार्ता कर रहे हैं तो हमने तो सीधे तालिबान को लिस्टमेस दे दी ईरान कह रहा है तालिबान होना चाहिए पाकिस्तान कह रहा है तालिबान होना चाहिए तो अमेरिका को लग गया कि भाई अंतरिक्ष सरकार स्थायी हो नहीं रही है और अमेरिका ने तो सोचिए तीन ट्रिलियन डॉलर पैसा खर्च कर दिया जितनी इंडियन इकोनॉमी है और अमेरिका ने इतनी बड़ी फौज बना दी इतनी बड़ी सेना बना दी उसके बाद फिर जा रहा है अब जरा सोच के देखिए इतनी बड़ी सेना इतनी बड़ी फौज सारा तालिबानियों को मिल गया सारा तालिबानियों को मिल गया अब ये तो और बड़ा खतरा होता है तो जब अमेरिका बाहर जा रहा है तो अमेरिका ने क्या कहा कि कोई बात नहीं है कि हम आतंकवाद खिलाफ रहेंगे अभी नाटो कल बैठक हुई तो नेटो ने भी कहा कोई बात नहीं आतंकवाद खिलाफ हम रहेंगे लोगों ने पूछा कैसे रहोगे भाई आतंकवाद खिलाफ आतंकवाद आप तो जा रहे वहां छोड़ के यदि संयोग की बात है कि आज भी अभी जो एयरपोर्ट है वो अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका सारा ही प्लान कर रहा है पहले अपने हाँ नागरिकों को निकाले पहले यहां से निकाले तो सवाल है कि अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़ क्यों रहा है क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि नहीं, नहीं यहाँ पे लोकतंत्र नहीं टिक पा रहा है अमेरिका कह रहा है कि नहीं तालिबानी आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका में विरोध हो रहा है कितने बड़े सैनिक अमेरिका के मर रहे हैं यूरोप ने पहले ही कहा यार तुम वार में जाते हो हमें फंसाते हो अच्छा यूरोप वगैरह में तो आदमी का मरना मायने रखता है क्योंकि वहाँ जनसंख्या ही नहीं है जनसंख्या वहाँ ही नहीं है और विकासशील देशों में एक ही चाहिए बड़ी जनसंख्या इसलिए अमेरिका चला गया और आप ये देखिए अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान को छोड़ रहा है एक नया पावर इक्वेशन बन रहा है इसे दिख रहा है कि दुनिया में चीन का प्रभाव कितना तेज़ी से बढ़ा है चीन का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ा है अब इधर देखिए इधर चाइना चाइना पाकिस्तान टर्की अब ये नए इक्वेशन बन रहे हैं यानी अभी तक आप देख सेवेंटी से लेकर आज तक अमेरिका का प्रभाव अफगानिस्तान में रहा वो सोबी संघ से लड़ने के नाम पे हो आतंकवाद के खिलाफ के नाम पर हो आतंकवाद खिलाफ के नाम पे हो क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान का मौत खत्म हुआ लेकिन दो में फिर आ गया पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका इस पूरे रीजन को छोड़ रहा है और अपने आप में ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है चाइना के लिए फायदेमंद है।, है, है पाकिस्तान चीन की दोस्ती कुछ ऐसी है जैसा होठ और दांत के बीच का संबंध है पाकिस्तान चीन के बारे दोस्ती के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि स्वीटर देन हनी एंड हायर देन माउंटेन डीपर देन सी ये दोस्ती है उनकी अब ज़रा सोच के देखो अफगानिस्तान में पूरा पावर इक्वेशन ही चेंज हो रहा है अमेरिका पीछे चाइना कमान संभाल रहा है तो सवाल यह चाइना के इंटरेस्ट क्या है तो चाइना पे याद रखिए अगर मेजर पावर है चाइना अगर मानता है कि हमें महाशक्ति बनना है चाइना की सीधी पॉलिसी है कोई सरकार में कोई मतलब नहीं है वो हमारा सामान खरीदे हमसे व्यापार करे सरकार में कोई हो स मतलब ही नहीं है चाइना की पॉलिसी सीधा प्रो स्टैबलिशमेंट पे चलती है और ये सीखने की बात है भाई चाइना कहता है देखो अब चाइना ने क्या कहा देखो तालिबान हमें कोई दिक्कत नहीं है बस याद रखना यूगर में सिंग प्रांत में कोई हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तालिबान ने कहा कसम से तुम्हारे यहाँ कोई हम हरकत करेंगे ही नहीं चीन का ठीक है बाकी सब ठीक है और चाइना ये भी कहता है कोई बात नहीं अगर तुम लोग स्टेबिलिटी बनाओगे तो हम सड़क बना देंगे तुम लोग स्टेबिलिटी बनाओगे तो फिर हम रोड बिल्ड परियोजना तुम्हारे घर तक ला देंगे और पाकिस्तान में चाइना कितने बड़े प्रोजेक्ट सीपैक के नाम से चल रहे हैं इसे चाइना महाशक्ति होने के नाते कभी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में स्टेबिलिटी हो लेकिन चाइना इंडिया के इंटरेस्ट को थोड़ी देखेगा अरे दोस्तों अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती है पड़ोसी कंधे पे नहीं और आप याद रखिए कितनी भी मित्रता रखिए लेकिन अंततः लड़ने के लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा दोस्त आपके लड़ाई के लिए स्वयं आएगा संदेह रहता है हाँ सपोर्ट कर दे क्या बात तो चलती है अब सवाल है जब ये नया पावर इक्वेशन आ रहा है जरा सोच के देखिए रसिया भी चाइना का चल दाइना भाग बन गया है चाइना जो भी कह रहा है पुतिन कह रहा है यस सर पुतिन कर बिल्कुल हम आपके साथ है चाइना से पूछा गया कि यार ये बताओ तालिबान कुछ मानव अधिकार वगैरह का उल्लंघन कर रहा है चाइना कहते हैं अधिकार होता क्या बताओ ये क्या है मानव अधिकार बेकार की बात करते हो बुर्जुआवादी विचार है पूंजीवादी विचार है चाइना सिरे से खारिज कर देता है और पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं इमरान खान ने तो इमरान खान ने सोचा कि भाई सेलिब्रेशन करने का मन कर रहा है कहा तो ना ना भाई इमरान महोदय भी रुक जाइए अभी सेलिब्रेशन करेंगे पश्चिमी दुनिया सोचेगी आप ही समर्थन कर रहे हैं क्या इमरान खान ने समर्थन कह ही रहे थे भाई इसमें मानना क्या है अब जरा सोचिए रसिया गया उसके पड़ोस में सेंट्रल एशियाई देशों से आप पूछेंगे तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान ये सब छोटे छोटे देश हैं अब ये क्या बोलेंगे बेचारे यद्यप यहाँ के आतंक यहाँ की अस्थिरता से सीधे प्रभावित होते हैं ये लेकिन अब इतने पावरफुल नहीं है कि बोल अब बोलेंगे तो है नहीं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तालिबान के आने का आखिर में विरोध कौन कर रहा है जब आप दोहा में वार्ता कर रहे थे साथ सारे देशों ने लगभग तालिबान को लेजिटिमाइज ही कर दिया तो आखिर में तालिबान का विरोध कर कौन रहा है और पश्चिमी देश भी तो यही कह रहा है कि ना भाई हम तो आतंकवाद खिलाफ है आतंकवाद खिलाफ है इसका मतलब तालिबान और ता, आतंकवाद अलग अलग है और ये कोई नई बात नहीं अमेरिका ने पहले भी कह रहा था गुड तालिबान है बैड तालिबानी बैड तालिबान कौन है जो अलकायदा के साथ जुड़ जाए गुड तालिबान कौन है जो अलकायदा के साथ न जुड़े और दूसरी बात है वेस्ट एशिया अच्छा वेस्ट एशिया कमाल की बात है तालिबान के ऊपर इस्लामी देशों का रिएक्शन अभी नकारात्मक बिल्कुल नहीं है कुछ लोग शांत हैं कुछ लोगों ने रिएक्शन कर दिया है कुछ लोग शांति से बैठे हुए हैं इसका मतलब है तालिबान को दुनिया भर मेंसेप्टेबिलिटी मिलती जा रही है बस ये है कि फॉर्मली रिकगनीशन किसी ने दिया नहीं है वेट एंड वॉच भाई एक, एक औपचारिकता होती चले भाई हमने आपको मान्यता दे दी अब यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आखिर में दुनिया के इस्लामी देश इसका कहीं विरोध नहीं कर रहे बाकी कौन विरोध कर रहा है और कहा जाता है सऊदी अरेबिया चाहता है कि ना भाई तालिबान रहे तालिबान रहे दूसरी बात है कि यू आजकल एक मॉडरेट और कहा जाता है पश्चिमी एशियाई देशों में इस बात को लेकर विभाजन है परंपरागत रूप में सऊदी अरेबिया एक कट्टरवादी इस्लामी विचारधारा को मानता है अब यू ही चूंकि अर्थ का केंद्र है व्यापार केंद्र है तो यू ही सोच रहा है नाना भाई थोड़ा सा मॉडरेट मामला होना चाहिए इसलिए बस यू की ये चिंता है कि तालिबान तुम आतंकवाद को मत बढ़ाना तालिबान तुम अस्थिरता मत पैदा करना बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे डिफ़िकल्ट ईरान के लिए है मामला ईरान अभी तक तालिबान का साथ दे दिया क्यों क्योंकि अमेरिका को भगाना था अब अमेरिका भाग गया तो हज़ारा समुदाय के लोग तो सिया समुदाय के लोग हैं और कहा जाता है तालिबान सुननी है और तालिबान सुननी है तो सऊदी अरेबिया सुननी है तालिबान सुननी है तो यू सुननी है इसका तालिबान का बढ़ता प्रभाव ईरान के गले की हड्डी बनेगा इतना आसान मामला नहीं है लेकिन अभी सब चुपचाप है अभी सब चुपचाप है वेट एंड वॉच की कंडीशन में है और आप याद रखिए सब ये देख रहे हैं कि आखिर में ऊंट किस करवट बैठता है लेकिन आप याद रखिए वाकई मुद्दा ये है कि वाकई मुद्दा ये है कि ज्यादातर तो लोग तालिबान को समर्थन दे चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाँ मामला आतंकवाद को लेकर है और आतंकवाद होगा नहीं होगा वो आने समय बताएगा लेकिन अगर हम भारतीय विदेश की बात करें तो कई लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं अच्छा आलोचना करना सबसे आसान होता है और आलोचना क्या है लोगों ने कहा भैया तालिबान पावर में आ रहा था अभी आप देख नहीं पाए क्या दोहा में वार्ता हो रही थी आप देख ही नहीं पाए दूसरा फिर लो और अमेरिका पर निर्भर हो कुछ लोगों को कहने का मौका मिल गया कि अमेरिका के पीछे चलना खतरनाक है अमेरिका के भरोसे थे इसलिए फॉरेन पॉलिसी में कहा जाता है भाई किसी एक पे ही दिल जान मत दे दो अगर उसी को दिल जान दे दिया वही छोड़ के भाग गया क्या करोगे अमेरिका 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 अमेरिका, अमेरिका क्या करेगा भाग गया लो और तीसरी देखिए ये दोनों आलोचनाएं बेकार की हैं आप याद रखिए फॉरेन पॉलिसी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और याद रखिए हमारे जीवन में भी कई बार हमें सफलता मिल जाती है तो कई बार उसमें हमारा दायित्व तो होता है कई बार पड़ोसी का भी होता है कई बार हम एग्जाम में फेल होते हैं स्केलिंग के भी कारण इसे थोड़ा व्यवहारिक रूप में देखिए और हमें क्या लगता है कि जो हमारे देश के विदेशों के निर्माण करने वाले हैं जो बात इतनी बात हम समझ पा रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे कमाल की बात है ये सब और दूसरी बात हम तालिबान के साथ नहीं अंगेज थे इसका क्या प्रमाण है अरे फॉरेन पॉलिसी में हम हर बात अपडेट थोड़ी करते हैं हर बात पब्लिक थोड़ी कर सकते हैं और ये तो कहा ही जा रहा था कि भारत कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था अरे दोस्तों मुद्दा तालिबान का नहीं है इंडिया इतना मूर्ख नहीं है ना भारत के प्रशासक इतने मूर्ख है मुद्दा केवल ये था कि तालिबान का नहीं याद रखिए रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान की है रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान की है पाकिस्तान क्यों क्योंकि हमें प्रॉब्लम तालिबान से नहीं है तालिबान अगर पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करेगा तो हमें प्रॉब्लम है तालिबान पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी जैसे मोहम्मद लश्कर तयबा तो ये सब आतंकवादी संगठन है जो कि जिनको पाकिस्तान खिलाता पिलाता रहता है भारत खिलाफ काम करने के लिए इसलिए हम भी वेट एंड वॉच के भी आप देखेंगे हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बात कही है कि अरे अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं क्योंकि प्रो स्टैब्लिशमेंट भाई यही तो यही तो मामला है कि अगर म्यांमार में सैनिक सरकार आ गई अपने संबंध बना लिया तालिबान के साथ यही अप्रोच अपनाना चाहिए प्रो स्टैबलिसमेंट लेकिन समस्या ये है पाकिस्तान को लेकर है इसलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में गलती नहीं है दूसरी बात सऊदी अरेबिया आज हमारे साथ है यू हमारे साथ है पश्चिम एशिया हमने कई दोस्त बना रखे हैं इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप याद रखिए तालिबान की सारी बात को मान लेने का मतलब है चीन पाकिस्तान के पीछे चल देना और वो कैसे हम चल देंगे वो हमारे लिए कभी भी फिजिबल नहीं रहा है इसलिए आलोचना करने से पहले हम जरा व्यवहारिक रूप में देखें इसलिए फॉरेन पॉलिसी की आलोचना करने से हम बसते हैं और ये अप्रोच होता है फॉरेन पॉलिसी की आलोचना करें लेकिन मैंने बताया इसलिए दिया कि हमारे यहाँ लोग लिख देते हैं भाई लोकतंत्र है लोकतंत्र में सब बात लिखने का अधिकार है और दूसरी बात अगर तालिबान को जरा सोच के देखे तालिबान का आना अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है भाई तालिबान आ जाएगा पहला इतना बड़ा हथियार मिल गया दूसरा ताली अफगानिस्तान ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर माना जाता है यह प्रॉब्लम है कहा जाता है कि पूरा ओपीएम का केंद्र बन जाएगा हथियारों की अवैध तस्करी होगी और सबसे बड़ी बात दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है कि कोई भी संगठन जो अलकायदा के साथ होगा उसको बैन किया जाएगा और कोई भी देश किसी आतंकवादी संगठन को कोई तकनीकी आर्थिक सहायता नहीं देगा और जो तालिबान में सरकार बना रहा है हकानी समूह वो है क्या अरे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अमेरिका ने बैन कर रखा था अब प्रॉब्लम तो यहीं आ रही है यानी आप याद रखिए अब सामानिक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को हमें मानते ही नहीं है इसलिए कहा जाता है दुनिया में दोस्तों राष्ट्रहित के आगे सब बेकार हो जाता है राष्ट्रहित के आगे इस समय संयुक्त के बाद है सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत है तो भारत लगातार आतंकवाद आतंकवाद कर रहा है लेकिन आप जानते हैं एक देश का आतंकवादी दूसरे का स्वतंत्रता सेना ही बन जाता है प्रॉब्लम तो यहीं पर आती है और फिर अब देखेंगे इसलिए अब लास्ट में देखा जाए कि इंडिया के सामने चैलेंज क्या है दोस्तों देखिए तालिबान के आने से चैलेंज तो है चैलेंज यह है कि तीन बिलियन डॉलर जो हमने लगाया था वहाँ पानी में तो नहीं चला जाएगा जो सॉफ्ट पॉर अभी तक हमने लगाया था वहाँ कैपिटल बनाया उसका क्या होगा पहला चैलेंज है दूसरा आप याद रखिए कहीं पर भी कट्टरवाद बढ़ेगा तो लोकतंत्र के लिए चैलेंज हमेशा आएगा तो भारत तो बहुत धर्मी देश है हर धर्मावलंबिया रहता है तो कट्टरवाद आएगा प्रॉब्लम आएगी तीसरा कश्मीर का मामला आप देखते हैं पिछले पहले भी रहा है अभी भी पाकिस्तान हमारे खिलाफ़ हमेशा काम करता है पाकिस्तान चैन से बैठने को तैयार नहीं है और चाबाह में हमने जब इतना इन्वेस्टमेंट किया अरे भाई अफगानिस्तान जाना नहीं तो चाहबाह लेकर क्या करेंगे रास्ते ही बंद हो गया ये इन्वेस्टमेंट ख़राब जाएगा और फिर सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया में कहाँ पहुँच पाएंगे अफगानिस्तान होकर पहुँच रहे थे और इतना इन्हें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ये भी तो हम यहीं से लेके जा रहे थे यानी भारत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं चैलेंज तो है लेकिन अब दोस्तों दिल थामने के इतना जल्दी निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हमने फिर कहा कि अफगानिस्तान में कंडीशन भी लगातार बदल रही है अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कंडीशन है और सच में भारत के पास देखिए ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन सीधा है कोई भी सरकार में हो हम उसके साथ संबंध बनाएंगे क्योंकि हमें अफगानिस्तान चाहिए सरकार नहीं हमें अफगानिस्तान चाहिए पार्टी नहीं तो पहला सीधा अप्रोच है कि भाई हम कोई भी हो भाई हमें संबंध बनाना है जो व्यापारियों के अप्रोच होता है कोई भी सरकार में आए व्यापारियों से संबंध बना लेते हैं तो पहला तो ऑप्शन सीधा है कि इंगेज विद पाकिस्तान एंगेज विद तालिबान लेकिन आप याद रखिए यहाँ प्रॉब्लम तालिबान की नहीं है बस यही बात देख देखे कि तालिबान पर पाकिस्तान का कितना प्रभाव होता है ये हम वेट एंड वॉच कंडीशन में है क्या तालिबान क्या तालिबान भारत के प्रभाव को देखेगा क्योंकि तालिबान को भी चाहिए कि इकोनॉमिक हेल्प इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अलावा अभी तक कोई किया नहीं है चाइना करेगा आने वाले समय में देखा जाएगा तो क्या तालिबान ये नहीं सोच सकता है कि हम भारत के साथ भी संबंध बनाए लेकिन पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाए इस मुद्दे पर भी तालिबान विचार कर सकता है और ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा इसलिए पहला ऑप्शन ये बनता है कि सीधे बातचीत करें तालिबान से सीधे संबंध बना लें ऑप्शन नंबर एक ये फिल तो फिलहाल तो हमने वहाँ से एमबेसी खाली कर दी है दो दो हमारे वाणिज्य तो आवास थे उसको हमें भी खाली किया है इसका मतलब है कि थोड़ा सा अभी अभी फिलहाल तो ऐसा दिखता है कि तालिबान के साथ संबंध नहीं बन रहा है लेकिन आप याद रखिए विकल्प खुले होते हैं फॉरेन पॉलिसी में इतनी जल्दी कोई डिसीजन होता नहीं दूसरा ऑप्शन क्या है कि तो उत्तरी गठबंधन को सपोर्ट कर दिया जाए याद रखिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है उत्तरी गठबंधन प्रभावी हो पाएगा नहीं हो पाएगा आने वाले समय बताएगा नाइन्टी में तो उत्तरी गठबंधन का सपोर्ट हमने किया था प्रभावी नहीं हो पाया तो पता चला कि हारती हुई नाव डूबती हुई नाव में गए प्रॉब्लमेटिक तीसरा है यह तो वेट वॉच देखिए बाकी लोकतांत्रिक देशों का रवैया क्या होता है लेकिन फिर हमने कहा अमेरिका ब्रिटेन का रवैया क्या होता है ये हमें प्रभावित तो करता है क्योंकि याद रखिए पावर इक्वेशन क्या है आज भारत अमेरिका के साथ है कारण ये है जो लोग आलोचना करें अमेरिका पर आतिनिर्भर अरे आत्न निर्भर अमेरिका पर नहीं है हम रसिया के साथ भी हैं लेकिन चाइना फैक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अरे चाइना पाकिस्तान हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और क्या हम उनकी शर्तों पर उनके साथ चले जाएं ये संभव तो नहीं है इसलिए और तीसरा एलिमेंट है ठीक है कभी अगर सिविल वार हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ सेना भेजे पीस कीपिंग ऑपरेशन भेजे भारत का सपोर्ट कर दे ये मूलतः चार ऑप्शन हमारे पास आते हैं फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि पहले ऑप्शन पर हम जा सकते हैं लेकिन फिर भी आप याद रखिए ये पूरा मैटर डिपेंड करेगा कि तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान कितना प्रभाव से बनाता है और तालिबान क्या इंडिपेंडेंटली काम करेगा या पाकिस्तान के बिल्कुल हाथ के के रूप में काम करेगा क्योंकि आज का तालिबान पहले के तालिबान से अलग है एक मामले में देखिए वो, वो धार्मिक शासन के मामले में अलग नहीं है धार्मिक शासन के मामले में बिल्कुल अलग नहीं है धार्मिक शासन करेगा मामला इसमें है कि आज का तालिबान ज्यादातर दुनिया के देश रिकगनाइज कर रहे हैं कि भाई तालिबान तो, तो बनाओ कम से कम स्टेबिलिटी तो बनाओ ठीक है स्टेबिलिटी बना लो इसलिए तालिबान के रहने की संभावनाएं ज्यादा लगती हैं ज्यादा लगती हैं क्योंकि वो दुनिया में सब लोग यहाँ जल चुके हैं तो कोई अपना हाथ लगाना नहीं चाहता और आप याद रखिए इसलिए भारत का इंटरेस्ट तो ज्यादा है भारत पड़ोसी है और यद्यपील इसी बात को देखते हुए हमने कश्मीर से तीन हटाया था कश्मीर में आज सिक्योरिटी की सिचुएशन पहले से थोड़ा अलग है इसलिए इतना भी ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कुल मिला के फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन है कि चार में से कौन सा ऑप्शन हम अपनाते हैं संभावना है पहला ऑप्शन अपनाया जा सकता है नहीं भी जा सकता है क्योंकि हमने कहा फॉरेन पॉलिसी में इतनी जल्दी असेसमेंट हम कर नहीं पाते और जो भी उसके बाद घटनाक्रम होगा हम फिर आपके हिसाब की चर्चा जरूर करेंगे आज के लिए इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए थैंक्स लॉट